टोटल आपने उल्टा सीधा किसने करवाया? इसको मत देना, पल पल न्यूज में कर, बिल्कुल नहीं देना। इसको मत देना, पल पल न्यूज में कर। इसको मत देना, पल पल न्यूज में कर। आदाब, पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की सुनवाई आज 40वें दिन पर आकर के सिमट गई और 40वें दिन की सुनवाई में जो कुछ भी हुआ आज देखने लायक था, क्योंकि कोर्ट के अंदर जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल था और साफ तौर पर कोर्ट के बाहर भी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला और इन सब के बीच एक अफवाहों का बाजार गर्म रहा और उन अफवाहों के दौर में इस तरह की खबरें सामने आने लगी, ये बताने की कोशिश डंके की चोट पर की जाने लगी और तमाम तरीके के डिबेटें आज सुबह से ही शुरू हो गई और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। ये हाल हमारे मीडिया का था जहां उसने साफ तौर पर ये झूठ फैलाया कि मुस्लिम पक्षकारों ने अपने दावे को छोड़ दिया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं और मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो गया है। इस पर आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ आज मौका मिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के उस हियरिंग को सुनने का जिसका इतिहास गवाह रहेगा, क्योंकि जो बरसों से मामला चला आ रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रंजन गोगोई और 5 जजों ने बखूबी सुलझाने की कोशिश की है और 40वें दिन में जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब हिंदू पक्षकारों के वकीलों से हमने बात करने की कोशिश की तो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि पलपल न्यूज को धमकी दी गई कि वो उन पर FIR कर देंगे क्योंकि आप उनके फेवर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके झूठ में उनका साथ नहीं दे रहे हैं और जो सबूत और दस्तावेज की बात की जा रही है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे तो हम पर FIR करने के लिए उतारू हैं हिंदू पक्ष जो सरेआम कोर्ट के अंदर खड़े होकर के पलपल न्यूज को धमकी देते हुए नजर आए। मामला हुआ कुछ ये आज की हियरिंग तमाम मीडिया कर्मियों पर वकीलों को सुनना चाहते थे, उन जजेस को सुनना चाहते थे जो कुछ आज 40वें दिन के अंदर कोर्ट के अंदर होगा। तो इस पर महंत भी थे तो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कई दिग्गज भी मौजूद थे। तो जब मौका मिला पलपल न्यूज को महंत से बात करने का तो तुरंत उनके वकील बीच में कूद करके आते हैं और कहते हैं कि आप हिंदू पक्षकारों के खिलाफ खबर कर रहे हैं इसलिए हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। FIR दर्ज करिए, जितनी करनी है करिए, पर झूठ में आप लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा। सच्चाई का साथ पलपल न्यूज देता हुआ आया है, पलपल न्यूज सच्चाई का साथ देगा। और ये उस FIR की बात कर रहे हैं जो इनके झूठ में साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है वो दौर जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हिंदू पक्षकारों के वकीलों से सबूत मांगे तो सबूत के नाम पर आस्था और विश्वास की बात करता हुआ नजर आया है और आस्था और विश्वास की आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ एक बहकावे के लिए नई नई दलीलों को पेश करने की तुरंत उतारू हो गए हैं, क्योंकि नई नई दलीलों में जितना बहस का समय लगेगा उतनी बहस बढ़ेगी और कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा। जब इन पर सबूतों पर और विश्वासों पर सवाल पूछे तो आस्था और विश्वास की बात करने लगे। आपको याद होगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो वीडियो कुछ दिन पहले एक महंत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिया गया था। ये वकील महंत के साथ मौजूद थे
और उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर हमसे बात की और सबूत की बात कही तो आस्था और विश्वास की बात करते हुए महंत नजर आए। महंत हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए और जब आज फिर महंत से बात करना चाहिए तो हिंदू पक्षकार के वकील खुलेआम धमकी देने पर उतारू हो गए कि पलपल न्यूज के ऊपर हम FIR कर देंगे। डराने और धमकाने की राजनीति शुरू हो चुकी है क्योंकि जो इनके हक और हुकूक की बात नहीं करेगा उसकी आवाज को ये यूं ही दबाने पर उतारू हो जाएंगे। आप बार बार देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने हमें धमकी दी कि उनके फेवर में हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके फेवर की खबरें नहीं चला रहे हैं, वो झूठी खबरें नहीं चला रहे हैं जो आज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर चलाते हुए नजर आए, जिन्हें हम साफ तौर पर दलाल पत्रकार कह सकते हैं, जो दलाली में इतने मशहूर हो चुके हैं कि दलाली के नाम पर मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ झूठी खबर चलाने के लिए उतारू हो गए हैं। ये उनके ऊपर FIR की बात नहीं करते, जो सच्ची खबरें दिखाएगा उनके ऊपर FIR करने की बात कही जा रही है। आज ही के दिन की बात करते हैं, मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में अपना दावा छोड़ा नहीं, मुस्लिम पक्षकारों ने दूसरी जगह मस्जिद बनाने की बात नहीं की, तो किस हक पर इन लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया और किस तरह ये लोग इनके झूठ में शरीक हैं और झूठों की एक मंडी सजाई गई है और उस झूठों के सरताज ऐसे वकील बने हुए हैं जो खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात अगर आज की 40वें दिन की बात कही जाए तो 40वें दिन पे जो कुछ भी हुआ, पहले मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई गईं और फिर आज 40वें दिन पर एक नई दलील हिंदू महासभा ने कोर्ट के अंदर पेश की, एक नक्शा दिखाया, क्योंकि कल तक राजीव धवन सिर्फ यही बात कह रहे थे कि आप बाबरी मस्जिद की जो गुंबद को शहीद किया गया है उस गुंबद के नीचे राम जी का जन्म हुआ था, इस सबूत को ला करके दिखा दीजिए बस। इस बात को लेकर के उन्होंने आज 40वें दिन एक नक्शा तैयार किया गया, उस नक्शे की प्रिंट आउट हर मीडिया कर्मियों को दे दी गई और वो मीडिया कर्मी चलाना शुरू कर दिए और उस नक्शे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजीव धवन जी ने फाड़ करके फेंक दिया और फिर राजीव धवन जी को शुरुआत हुई विलन बनाने की और विलन बखूबी बनाया भी गया और जज ने इस चीज को संज्ञान में लिया कि चाय से पहले, जब लंच टाइम से पहले की हेयरिंग हुई तो हेयरिंग से पहले उन्होंने उस नक्शे को फाड़ करके फेंक दिया था और उस नक्शे को फाड़े जाने के बाद हर कोई राजीव धवन जी को विलन बनाने की कोशिश कर रहा था और जब इस तथ्य को खंगालने की कोशिश पलपल न्यूज ने की तो फुजैल अय्यूबी ने साफ तौर पर बताया कि अगर राजीव धवन जी ने उस नक्शे को फाड़ा है तो CGI रंजन गोगोई के कहने पर उन्होंने इस बात को कहा है साफ तौर पर। और जब राजीव धवन जी ने इस बात की कंप्लेन CGI रंजन गोगोई से की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, आपकी जवाबदेही हमसे बनती है ना कि मीडिया कर्मियों से। और जब हक सबूत की बात कही जाती है तो धमकी मिलती है कि आपके ऊपर FIR कर देंगे, आप हमारे फेवर में खबरें नहीं चला रहे हैं। तो ये हाल हो चुका है आज के इन वकीलों का जो साफ तौर पर एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। ये झूठ उनकी नजर में झूठ नहीं, वो सच होता है क्योंकि ये उनके फेवर की बात कर रहे हैं। और रही 40वें दिन की बात में 45-45 मिनट का वक्त सबको दिया गया, आज 5 बजे हेयरिंग खत्म होनी थी पर लंच के बाद राजीव धवन जी ने 5 मिनट में ही अपनी बात को खत्म कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं और दलीलों को इनके सामने रखूंगा और सबूतों को इनके सामने रखूंगा तो ये लोग एक नई दलील को सामने ला करके एक नई बहस को जन्म देंगे। 5 मिनट में अपनी बात को कह करके खत्म करके और कब राजीव धवन जजेस के सामने से उठ करके चले गए किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। फिर 5 जजों की बेंच ने इस पर
सबूतों को इकट्ठा किया और इतिहास के पन्नों में जो 70 साल से मसला चला आ रहा है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के उसे सुलझाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी, पर ऐसे लोग आकर के खुलेआम धमकी देते हुए नजर आते हैं और आज जितनी भी बातें सामने रखी गई वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह करके उस हर मंजर को देखा, उस हर नजारे को देखा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और यही वकील उस टाइम पर जब महंत आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर के, और जय श्री राम के नारों के बाद वो पत्रकार भी अपने वेशभूषा में आ जाते हैं जो भगवा चोला पहन करके ये खुलेआम रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। महंत के जय श्री राम के नारे में और तेजी से जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ मीडिया कर्मी के एंकर, रिपोर्टर और कैमरामैन नजर आए जो साफ तौर पर राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं, वो सवालों को पूछना भूल गए हैं और जो सवाल पूछ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मैं ऐसे ही पाखंडियों को लेकर के आपके सामने नकाब करने की कोशिश करता रहूंगा और जो सच्चाई है पलपल न्यूज की और सच्चाई के दम पर जो पहचान बनी है उसी पहचान के बल पर पलपल न्यूज पलपल आप लोगों के सामने पलपल की खबरें यूं ही लेकर के प्राइम टाइम में हाजिर होता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।